So, in our previous lecture, we have studied about the basics of our spectroscopy and about the UV visible spectroscopy. So, today we will be studying about the limitations of Lambert-Weber law, which we have discussed in our last lecture, and more about the IR spectroscopy. It is called the infrared spectroscopy. So, here we go. Limitations of Weber-Lambert law. तो इसके क्या क्या लिमिटेशन है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, डेविएशन इन एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट एट हाई कॉन्सेंट्रेशन. यहाँ लिखा है हाई कॉन्सेंट्रेशन. अगर हमारा किसी भी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन काफी हाई है तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आ जाते हैं, बहुत ही मॉलिक्यूल पास पास में हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस उसके बीच में आ जाता है, तो उस केस में हमारा जो लैम्बर्ट-वियर लॉ है वो फॉलो अप नहीं कर पाता है. दूसरा है इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बन जाता है एक सॉल्वेंट का दूसरे में, देन देयर इज ऑल्सो ए वेरिएशन या एब्जॉर्बेंस, जो जिनका एक्चुअल पीक जहाँ जिस वेवलेंथ पर आना चाहिए, जितने इंटेंसिटी का आना चाहिए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इटसेल्फ. ओके, अनदर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू पार्टिकुलेट ऑफ द सैंपल. अगर सैंपल आपका ऐसा है जिसकी लाइट को स्कैटर कर रहा है, तो देन ऑल्सो द लैम्बर्ट-वियर लॉ इज नॉट गोइंग टू फॉलो. तो अनदर इज फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस. अगर कोई भी ऐसा सॉल्वेंट या सॉल्यूट जो भी है आपका फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरोसेंस दिखा रहा है, देन ऑल्सो द परसेंटेज जो देयर विल बी अ पॉजिटिव डेविएशन इन परसेंटेज ट्रांसमिशन एंड निगेटिव डेविएशन फॉर एब्जॉर्बेंस. एब्जॉर्बेंस के लिए हमारा वो क्या होगा, डिफरेंट वेरिएशन होगा. चेंज इन डिफ्रेक्टिव इंडेक्स एट हाई एनालिटिक एनालाइट कॉन्सेंट्रेशन, डिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेरी करेगा. शिफ्ट इन केमिकल इक्विलिब्रियम, नॉन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन अगर होगा तो भी आपका वेरिएशन होगा. तो इन सारे केसेस में लैम्बर्ट-वियर लॉ जो होते हैं वो फॉलो नहीं हो पाते हैं. तो यू शुड कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड व्हाइल मेजरिंग द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल जो कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसको हम लेकर के कंसिडर करके चलते हैं. अगर हमारा सपोज कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसमें क्या होता है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में उसके एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, एंड दे आर गोइंग टू वाइब्रेट हियर एंड देयर लाइक दिस वन, लाइक अ स्प्रिंग. ओके, तो अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तो हमारी इक्वेशन जो होती है न्यू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू 1/2 pi के बाई एम होल टू द पावर 1/2, मींस न्यू इज इक्वल टू 1/2 pi रूट ओवर के बाई एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द एटम ऑफ सिंगल एटम. एम वन एंड एम टू अगर लेंगे, अगर डिफरेंट डिफरेंट एटम है तो एम वन एंड एम टू विल बी देयर, एंड देन आफ्टर दे विल वाइब्रेट लाइक दिस वन, दे आर गोइंग टू वाइब्रेट लाइक दिस वन, स्ट्रेचिंग एंड देन श्रिंकिंग लाइक दिस. ओके, तो फ्रीक्वेंसी उनका हम लोग देते हैं न्यू इज इक्वल टू 1/2 pi के वाई रूट ओवर के वाई एम. ओके, नाउ सी हियर, दिस इज अ स्प्रिंग हैविंग द मास एम वन एंड एम टू आर अटैच्ड हियर, एंड देयर इज अ श्रिंकिंग एंड खोल बंद होते रहता है. जैसे हम लोग खींचते हैं ना, स्प्रिंग को खींचा फिर छोड़ा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंकिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग. ओके, तो द टू मासेस रीच द एक्सट्रीम बाय देयर रिस्पेक्टिव मोशन एट द सेम टाइम. क्या होता है कि वो खींचेंगे तो वो दूर जाएंगे फिर पास आएंगे, दूर जाएंगे पास आएंगे. अगर टू डिफरेंट एटम्स है हमारे, तो m के जगह जो हमारी इक्वेशन वन m यहाँ पर है, इक्वेशन वन के m के जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू, एंड म्यू इज इक्वल टू m1 m2 by m1 m2 by m1 plus m2 m1 plus m2. म्यू होता है, हम बोलते हैं इसको रिड्यूस मास. ओके, तो m1 m के जगह पर क्या हो जाएगा, म्यू m1 m2 by m1 plus m2. ओके, अगर हमें कन्वर्ट करना हो फ्रीक्वेंसी के टर्म में, न्यू फ्रीक्वेंसी को हमको अगर सेंटीमीटर इनवर्स के टर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइडेड बाय c करना होगा, 1/2 pi root over c root over k by म्यू सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, हियर द फ्रीक्वेंसी इज इन
second minus one, here it is in centimeter minus one. Okay, the unit of force constant का unit क्या है हमारा न्यूटन मीटर माइनस वन. एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी हमारा सिंपल हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, देयर इज अ वेरी फेमस इक्वेशन विच वी ऑल आर फैमिलियर एंड दैट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ क्या बताता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है किसी भी वाइब्रेशन, किसी भी पैराबोलिक फॉर्म का, तो वो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v इज इक्वल टू 1 बाय 2 के एक्स स्क्वायर. दिस वन के एक्स स्क्वायर, हियर इन केस ऑफ आवर स्प्रिंग इट इज r माइनस r e, x इक्वल टू r माइनस r e. r माइनस r e का मतलब हो गया आपका दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इतना हमने डिस्प्लेस किया स्प्रिंग को खींच खींच करके, ठीक है. एंड r e बीइंग द, r e क्या है हमारा इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ, जबकि जो कि इक्विलिब्रियम में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का. हुक्स लॉ हमारा ये, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व एंड इफ देयर इज अ पैराबोलिक मोशन देन द हुक्स लॉ इज फॉलोड. सो हियर इन केस ऑफ स्प्रिंग आल्सो हुक्स लॉ इज फॉलोड एंड इन केस ऑफ x वी आर पुटिंग हियर 1 बाय r माइनस re. ओके, दैट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, re इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस. नाउ वी आर मूविंग टू द सॉल्यूशन. अगर ये हमारा इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन कैसा होगा. द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिव्स द क्वांटाइज्ड वाइब्रेशनल लेवल. क्या करता है हमारे जो वाइब्रेशनल लेवल को क्वांटाइज करके जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है, ई वी इज इक्वल टू वी प्लस हाफ एच न्यू. ई वी, यहाँ ध्यान रखिएगा वी जो है, स्मॉल वी जो है वो वाइब्रेशनल नंबर के लिए है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के लिए है, और न्यू जो है वो हमारा क्या है, फ्रिक्वेंसी है. मेक द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वी एंड न्यू. ओके, हियर वी इज इक्वल टू 1, 2, 3. These are the different vibrational quantum numbers. V is equal to 0, 1, 2, 3. Okay. तो यहाँ पर हमने देखा कि जो V की value है वो हमारी 0 भी हो सकती है. But in other cases like rotational and other constant, they are starting from the J is equal to 1 and like that. Okay. या principal quantum number है तो n equal to 1 से start होता है. या लेकिन vibrational quantum number जो होता है वो हमारा V is equal to 0 से start होता है. और जब v इज इक्वल टू 0 होता है तो ev की वैल्यू हमारी हो जाएगी हाफ एच न्यू. ev की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, v अगर 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू हाफ एच न्यू. एंड दिस इज कॉल्ड द जीरो पॉइंट एनर्जी. इसको कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी. एंड द एनर्जी लेवल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्वली स्पेस. तो एनर्जी लेवल होते हैं किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के, वो बिल्कुल बराबर बराबर पर डिस्टेंस पर होते हैं. इतना मान लीजिए ए है तो फिर इसके ऊपर ए है, बी ए ए ए लाइक दैट वन. ओके, तो स्पेसिंग जो होता है सारे के बीच का कितना है हमारे यहाँ पर, एच न्यू. दिस हियर इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इट इज इक्वल टू एच न्यू. वाइब्रेशनल जो लेवल के बीच का डिफरेंस है, हर एक वाइब्रेशनल लेवल के बीच का डिफरेंस एच न्यू है. ओके, तो टू कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम जूल टू सेंटीमीटर इनवर्स वी आर डिवाइडिंग बाई सी. क्या एच सी, किससे डिवाइड करना है हमें, एच सी से. तो ई वी को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, ई वी डिवाइडेड बाई एच सी. तो हमको किस फॉर्म में मिल जाएगा, एच न्यू का जगह पर हम डिवाइड कर देंगे इसको एच सी से. तो एक न्यू बाई सी जो होगा, न्यू बाई सी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा ई. एच न्यू बाई सी को क्या बोलेंगे, ओमेगा ई. एंड दिस इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. और जी वी को कहते हैं वाइब्रेशनल टर्म. जीवी जो जीवी है ना ये हमारा, इसको बोलते हैं वाइब्रेशनल टर्म. और जो सिलेक्शन रूल हमारा होता है वाइब्रेशनल मोशन के लिए, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन. मतलब देयर मस्ट बी अ चेंज बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन टू फॉलो द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. ओके, दो के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो प्लस माइनस वन होगा. ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड द ऑपरेटिव पार्ट of the selection rule. The, जैसे हमारा मान लीजिए एक लेवल से दूसरे में गया, तो पहला वाला जो लेवल है हमारा बी इक्वल टू वन है, जीरो है, फिर वन है, फिर टू है, थ्री ऐसे है, ठीक है. तो अगर हमारा जो न्यू बार है हमारा रिप्रेजेंट करते ट्रांजिशन के लिए, तो जी बी प्लस वन से बी में जाएगा. तो बी प्लस वन हियर मीन्स दैट जी बी प्लस वन माइनस जी बी, दैट इज बी के जगह पर हमें क्या पुट करना है इस वाले इक्वेशन में, बी के जगह पर क्या पुट करना है, बी प्लस वन और प्लस हाफ ओमेगा ई. एंड माइनस बी के जगह पर यहाँ पर बी प्लस वन ही बी ही रहेगा, ठीक है, बी प्लस हाफ ओमेगा ई. तो हमारी जो वैल्यू आएगी ओमेगा ई, यू आर इज इक्वल टू ओमेगा ई. एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इन द ग्राउंड वाइब्रेशनल लेवल.
that is v is equal to 0 per, ye nahi ki v is equal to 1, the lowest vibrational level is the v is equal to 0 and not the v is equal to plus 1 or 1, okay. तो जो पहला ट्रांजिशन होता है हमारा वो v equal to 0 to 1 में जाता है. The vibrational frequency corresponding to this transition is called fundamental vibrational frequency. जब ट्रांजिशन कोई भी v equal to 0 to v equal to 1 में होता है तो उसको कहते हैं fundamental vibrational frequency. And diatomic molecules have only one vibrational frequency. जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी केवल एक ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है. वो क्या, जो कि स्ट्रेचिंग, वो क्या करता है, जो अगर दो एटम है हमारे पास तो क्या करता है, वो बस एक दूसरे से खींच सकता है, उसमें कोई बेंडिंग इस तरीके से या रॉकिंग और अदर वाइब्रेशनल मोशंस होते हैं वो नहीं होते. इसमें केवल क्या होता है, ओनली स्ट्रेचिंग इज प्रेजेंट. ओके, तो उसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सबसे मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होता है हमारा किसी भी मॉलिक्यूल को आईआर स्पेक्ट्रम शो करने के लिए. देयर्स हियर इट इज, इट स्टेट्स दैट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट चेंज ड्यूरिंग द वाइब्रेशन. जब वाइब्रेशन होता है तो डाइपोल मोमेंट जो मॉलिक्यूल का है वो बिल्कुल चेंज होना चाहिए. अगर डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है तो वो आपका जो मॉलिक्यूल है वो आईआर एक्टिव नहीं होगा. ओके, सपोज इन केस ऑफ H2O2N2, इन सारे केसेस में जो कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें क्या है, दे डू नॉट हैव अ चेंज इन परमानेंट डायपोल मोमेंट, नॉर डज द स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स चेंजेस द डायपोल मोमेंट फ्रॉम जीरो. जब भी होता है उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, चेंज इन डायपोल मोमेंट जीरो होता है. ओके, तो जब जीरो होगा तो दे ऑल विल बी द आईआर इनएक्टिव. लेकिन अगर इसीलिए होमोन्यूक्लियर जो डायटोमिक्स होते हैं वो हमारे आयर इनएक्टिव होते हैं. लेकिन जो हेट्रोन्यूक्लियर मतलब एक एटम से नहीं, जो कि दो या दो से अधिक एटम से बने हुए हो, हेट्रो एटम से है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट अगर एटम से बने हुए हैं, डू पोजेस अ डाइपोल मोमेंट विच चेंजेस व्हेन द बॉन्ड लेंथ. जब स्ट्रेचिंग वगैरह होती है तो उसके जो डाइपोल मोमेंट चेंजिंग होता है, इसीलिए जो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक होते हैं वो आयर इनएक्टिव होते हैं. होमोन्यूक्लियर जो होता है आयर इनएक्टिव, व्हाइल द हेट्रोन्यूक्लियर आर आयर एक्टिव. ओके, तो जो होमोन्यूक्लियर होते हैं वो हमारे आयर इनएक्टिव होते हैं और जो हेट्रोन्यूक्लियर होते हैं वो क्या होते हैं, आयर एक्टिव होते हैं. ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे हमेशा जो मॉलिक्यूल है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह नहीं बिहेव करता है, वो थोड़ी बहुत चेंजिंग आते ही रहते हैं. नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. ओके, तो जो जब हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरफ प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो वो जो रीजन है उसका एन हार्मोनिसिटी, देयर इज अ टर्म कॉल्ड एन हार्मोनिसिटी, मतलब डेविएशन फ्रॉम द हुक्स लॉ. जब जैसे हमने देखा कि एक पैराबोलिक कर्व होता है, लेकिन ऐसा वाइब्रेशनल जब लेवल फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशनल मोशन होता है तो हमेशा ऐसा नहीं होता है. तो उस केस में मोर्स ने एक एम्पिरिकल एक्सप्रेशन सजेस्ट किया पोटेंशियल एनर्जी के लिए. वी आर इज इक्वल टू डी ई वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए आर माइनस आर ई होल स्क्वायर. ओके, तो मोर्स ने एक इक्वेशन दिया जहाँ की हमारा ए जो है एक कॉन्स्टेंट है एंड डी ई इज अ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ द मॉलिक्यूल. तो मोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसा दिखता है हमारा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम गिवन बाय द मोर्स. कि जो मॉलिक्यूल है हमेशा जो हुक्स ने दिया था वो क्या बोला कि वो इस तरीके से होता है, दिस वन दिस इज द हुक्स वन. ओके, बट जो एक्चुअल होता है वो हमारा मोर्स कर्व फॉलो करता है, मोर्स पोटेंशियल एनर्जी को फॉलो करता है. यहाँ पर हमारा जो क्या है, बी इज इक्वल टू जो डिसोसिएशन एनर्जी जो हमारा होता है, डी इज कॉल्ड द डिसोसिएशन एनर्जी. ओके, तो डी ई क्या है, डी इज द डिसोसिएशन, यहाँ से बी इक्वल टू जीरो से, यहाँ से मतलब जो स्टार्टिंग है, डी ई इज द वैल्यू ऑफ दिस वन फ्रॉम हियर टू हियर. बट डी जीरो की जो वैल्यू है हमारी वी इक्वल टू जीरो से जो मेजर करते हैं डिसोसिएशन होने तक मॉलिक्यूल का, उसको कहते हैं डी जीरो एंड दिस इज कॉल्ड द डी ई. तो डी ई इज इक्वल टू डी जीरो प्लस हाफ एच न्यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है हमारी हाफ एच न्यू है. ओके, वो पहले से प्रेजेंट है, हर एक मॉलिक्यूल में इतना प्रेजेंट रहता है. ओके, तो व्हेन द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर एन एनहार्मोनिक ऑसिलेटर इज सॉल्व, द मोर्स एनर्जी क्या हमारा आता है फिर निकल करके, this one. Okay, and this is omega e re is called enharmonicity constant. Omega e re ko kya bolte hai, enharmonicity constant, and that is always greater than less than omega e. Okay, to ye hamare terms jo hai wo enharmonicity ko batate hain.
डेल्टा वी जो होता है प्लस इसको प्लस, अगर डेल्टा वी इक्वल टू प्लस टू प्लस थ्री है तो उसको फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड ओवरटोन कहते हैं. ओके okay?